कोविड महामारी के दौरान मरीजों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सामाजिक संस्थाएं भी बढ़ चढ़ कर आगे आ रही हैं। हमीरपुर में भी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा फैन क्लब संस्था के द्वारा पिछले 1.5 साल से कोविड काल में दिन रात कोविड महामारी से निपटने के लिए जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज हमीरपुर के गांधी चौक पर डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा फैन क्लब हमीरपुर के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंस भेंट की है। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय जगोता को एम्बुलेंस की चाबियां सौंपी। संस्था के द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसे डायल कर कोविड मरीज कभी भी सेवाएं ले सकते हैं। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि कोविड एम्बुलेंस मरीजों को सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग को दी है, क्योंकि कई बार लोगों को समय पर सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसी के चलते क्लब के द्वारा प्रयास किया गया है कि अगले कुछ दिनों बाद एक और एम्बुलेंस विभाग को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि क्लब ने हेल्प लाइन नंबर भी जारी किया है, जिसे तुरंत सुविधा कोविड मरीजों को मिल सके और यह सेवा बिल्कुल ही निशुल्क है। उन्होंने बताया कि पिछले 1.5 साल से सैनिटाइजेशन का अभियान भी चला हुआ है और आगे भी जारी रहेगा, ताकि कोरोना महामारी को हराया जा सके। हमने ये कोविड एम्बुलेंस जो है वो जो हेल्पलाइन है 24/7 जो है वो हमने लॉन्च करी है, और ये इसलिए लॉन्च करी थी क्योंकि कोविड पेशेंट को कई बार इतना ज़्यादा हो जा रहा है लोड के, सरकार जितना ज़्यादा जोर लगा रही है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमियां रह रही हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के इस समय अपनी मानवता को बचाने के लिए जोर लगाएँ। तो ये हमारा जो स्वयंसेवी संस्था है डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा फैंस क्लब, उसकी तरफ से हमने ये जो अपनी एम्बुलेंस है इसकी हम हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रहे हैं, और हम धन्यवादी हैं डॉक्टर संजय जगोता जी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के, कि वो आए और इसको इन्होंने आज लॉन्च किया। और ये सेवा कोविड रोगियों के लिए है जो होम आइसोलेट हैं और उनको ज़रूरत पड़ रही है, और तब तत्काल अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो ये हमारे इस हेल्पलाइन नंबर का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में अगर किसी को यहाँ से किसी दूसरी जगह रेफर किया जाता है तो उसके लिए भी हमीरपुर जिला के पूरे जिला के अंदर ये जो सेवा है वो निःशुल्क रहेगी। हमीरपुर जिला के अंदर ये पूरी सेवा निःशुल्क रहेगी, ये हमारी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा फैन क्लब की तरफ से टोटली निःशुल्क रहेगी। और हमारी कोशिश है कि 3 या 4 दिन के अंदर हम बड़ी वाली, दूसरी बड़ी वाली भी बेसिक लाइफ सपोर्ट वाली जो है वो एम्बुलेंस जो है वो इसके साथ अटैच कर पाएँ, और हमारी और भी 2-4 स्वयं से भी और भी संस्थाओं से बात चल रही है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो हमीरपुर की जनता के लिए इस मुश्किल के समय में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होने के लिए डटे रहें। सैनिटाइजेशन अभियान आपको बता दूं, वो पिछले 1.5 साल से चला हुआ है, उसमें हमने 5-6 दौर पीछे भी करे थे और इस बार भी ये सैनिटाइजेशन अभियान वैसे ही लगातार चालू है। और इसके अलावा हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करे थे, हमने अपने 4-5 डॉक्टरों के नंबर जारी करे थे इसी स्वयंसेवी संस्था के तहत, और उसमें हमारे से जो होम आइसोलेट के जो कोविड पेशेंट हैं वो कभी भी किसी भी तनाव की स्थिति में या इलाज के बारे में या खान पान के बारे में या किसी भी इमरजेंसी के बारे में वो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसका हमें बहुत ही अच्छा जो है वो रिस्पांस मिला है। और उसमें हमने पिछले हमारे जो 4-5 डॉक्टर हैं उन्होंने 8-9 दिनों के अंदर 10,000 से ऊपर कॉल जो है वो इसमें अटेंड करे हैं, जिसमें अकेले जो हमारे कोविड रोगी हैं वो ही कम से कम 2500-3000 के बीच थे, और उसमें हमीरपुर के ही नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश के, इसके अलावा आपको बताऊँ दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, जम्मू, पता नहीं कहाँ कहाँ से, पंजाब से, हर जगह से हमने कॉल अटेंड करे और उनके संतुष्टिपूर्ण उनको जवाब दिए, ताकि जनता जो तनाव में ना रहे। खुशी की बात ये है कि 100 लोगों को अगर कोविड होता है तो 99% के करीब बढ़िया ठीक होते हैं, और ऑक्सीजन की ज़रूरत सिर्फ 3 या 4% लोगों को पड़ती है, तो बड़ी हाहाकार मचाने की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर हम मिलकर लड़ेंगे तो मिलकर हम जीतेंगे। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय जगोता ने कहा कि संस्था के द्वारा कोविड मरीजों की सेवा के लिए एम्बुलेंस दान दी है, जो कि बढ़िया कदम है। उन्होंने कहा कि इससे कोविड के मरीजों को काफ़ी मदद मिलेगी और विभाग इस काम के लिए संस्था का आभार व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि इस एम्बुलेंस से मरीज को ही कहीं भी आने जाने में सुविधा मिलेगी। गौरतलब है कि
डॉक्टर पुष्पेंद्र फैन क्लब हमीरपुर द्वारा कोविड महामारी के शुरुआती दौर से लेकर अब तक जिला भर में गांव-गांव जाकर सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा चुका है और किया भी जा रहा है, ताकि लोगों को इस महामारी से छुटकारा मिल सके तथा लोगों को महामारी के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। स्वयं से भी संस्था से एक अनुरोध आया था, कोविड की गंभीर समस्या को देखते हुए उन्होंने हमें एक एम्बुलेंस की 24 घंटे उपलब्धता कराने की पेशकश की है, तो उस उपलक्ष्य में आज ये एम्बुलेंस हमें लेने जा रहे हैं। इस एम्बुलेंस को हम कोविड जो पेशेंट हैं उनको घर से अस्पताल लाने, अस्पताल से घर छोड़ने, या कोई मरीज किसी उच्च संस्थान में जैसे कि PGI, फोर्टिस या चंडीगढ़ वगैरह जाना चाहता है, तो उसके लिए ये एम्बुलेंस निःशुल्क उपलब्ध रहेगी।